इट इज डायलेमा एंड पैराडॉक्स एपिसोड 8 गुलाम राष्ट्र से आत्मविश्वासी राष्ट्र 1947 से 2047 तक इट इज अ क्विक ब्रीफ प्रेजेंटेशन। कंटेंट का स्वरूप और असमीकरण। डिस्क्लेमर: यह प्रस्तुति डायलेमा एंड पैराडॉक्स सीरीज का 8वां प्रकरण है। पहला असमीकरण यह है कि यहाँ किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में कोई भी टिप्पणी करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। ये एक साधारण नागरिक की भारत के समकालीन इतिहास पर निजी राय है। मूल रूप डायलेमा एंड पैराडॉक्स सीरीज की भावना के अनुरूप ही है, परंतु यहाँ पर आख्यान में राजनीति का पट अवश्य ही मिलता है। किसी भी राय पर पहुँचने से पहले इसकी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लें। विद्वान बताते हैं कि भारत 1000 साल तक गुलामी में रहा है। एक गुलाम अपने मालिक से भय खाता है। भय के कारण ही गुलाम मालिक की भक्ति करके दिखाता है, परंतु वह हमेशा मालिक के विरुद्ध विद्रोह का पौधा सींचता रहता है। भारत के संबंध में सत्य कुछ अलग ही रहा है। 1980 के आते आते एक अजब मनोस्थिति हावी हो चली, यह कि भारत का कोई वाली वारिस नहीं, भारत का कुछ नहीं हो सकता। गुलाम अपने गोरे मालिकों के याद को स्मरण करके पछताता, गांधी को कोसता, काहे को मालिक भगा दिए। गुलाम की अपने मालिक के लिए तड़प। कुछ गुलाम तो मालिक को ढूंढते हुए गोरों के तटों तक पहुंच गए। गोरे हमारे तटों पर व्यापारी बनकर आए थे। फितरतन दगाबाज गोरे दगा करके सत्ताधारी बने थे। अब उनके गुलाम उनके पास वापस जाने लगे। गुलाम में आत्मविश्वास तो होता नहीं, कहना तो नहीं चाहिए। कुत्ता अपने मालिक के पास पहुँच ही जाता है। अब की बार का चलन से पहले 2010 तक भी भारत सीखता रहा था। क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछता है, सब चलता है। आप बताओ आपका क्या काम फंसा है। पैसे लगेंगे, काम हो जाएगा। 2010 तक का चलन। वास्तव में फर्क तो बहुत पड़ा। मानव छटपटाता रहा और उसी को अपनी नियति मानने लगा। पूछना उसी ने था और वो पूछना भूलने लगा, और जो चल निकला था वह मानव के लिए असहनीय हो गया था। जो करवाने की विधि थी वह नंगा भ्रष्टाचार था। अब की बार का चलन। 2014 में एक दल आया। कहीं ना कहीं ये लोग भी 2010 तक पनपने वाली मनोवृत्ति में सहभागी भी थे, पर अब ये एक नई रागनी सुनाने लगे हैं। इनकी कर्ण ध्वनि है, अच्छे दिन 2047 तक लाने हैं। इसके लिए भारत को खुद ही जागृत होना होगा। अब की बार की रागिनी। भारत अब आंख झुका के नहीं बात करेगा। भारत अब आंख उठाकर नहीं बात करेगा। भारत अब आंख मिलाकर बात करेगा। आप क्या कहते हैं, इस प्रकार की मनोवृत्ति क्या भारत में जागृत हो पाएगी? क्या भारत 2010 की मनोवृत्ति बदल पाएगा? 1947 तक गुलाम रहा भारत सच में जागृत हो पाएगा? ये 2047 से पहले या 2047 तक भी संभव हो पाएगा? आप क्या कहते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें।